कैसे हो भाई? देखो घर में सब ठीक है, जानता हूँ। चलिए चलिए। बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपके प्रेम का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। है उनको सस्पेंड कर दिया जिसमें आप भी हैं, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है कि नहीं? देखिए, मेरा माइक ले लो। जो ऑपोजिशन थी वो सब बाहर है, इंपॉर्टेंट बिल्स पास हो रही हैं। हमने क्या गुजारिश की थी? पूरी ऑपोजिशन ने यह गुजारिश की, ये जो ब्रीच हुआ है ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे कौन है। मेहरबानी करके सारे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी कौन देखता है? होम मिनिस्ट्री, हमारे बॉर्डर्स की भी हिफाजत होम मिनिस्ट्री की ये सब करती है, पार्लियामेंट की भी हिफाजत होम मिनिस्ट्री के ही पुलिस वाले हों बाकी हों, सारे होम मिनिस्ट्री से। हमारी गुजारिश थी कि होम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाएं और ये पूरा बताएं। हमने कोई झगड़ा नहीं करना था, हम ये जानना चाहते थे कैसे हुआ, क्या हो सकता था, ये बम लाते, ये जहरीली गैस लाते जिससे खुदा जाने कितने एमपी मर गए होते हैं, ये कैसे हुआ, नई पार्लियामेंट है और कहा गया कि ये इतनी सिक्योर है कि जितना अमेरिका का गोल्ड वो फोर्ट नॉक्स में है उससे ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ है। उसके बाद भी ये दो लोग आते हैं, छलांग मारते हैं और बीजेपी को जो भी बुरा भला कहते हैं, कहते हैं कि हमारी नौकरियां कहाँ हैं, हमारे घरों की हालत देखिए, हम लोग खाने के लिए तरसते हैं, पानी के लिए तरसते हैं, बिजली इफीस आसमान पर चढ़ रही है, तो आपने किया क्या हमारे लिए? उनका मकसद ये था, शुक्र करिए उनका मकसद ये नहीं था कि हमें किसी को मारना था, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने 370 पे अब मोहर लगा दी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब इसे किस तरीके से लोगों के बीच में लेके जाएगी, और क्या आपका रुख रहेगा? रिव्यू पटिशन करेंगे सर इसको लेकर? देखिए, पहले भी आपने इनकी जजमेंट देखी है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें भी ये कहा गया था कि ये परमानेंट है, इसी सुप्रीम कोर्ट ने आज ने ये कहा, आगे देखिए क्या होता है। वो कहते हैं इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट की माने तो उन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं कि जेएनके के पास अपनी कोई सॉवरेनिटी नहीं थी, तो भाजपा क्यों आज तक पूरे देश में जो डिंडोरा पीटती रही कि जेएनके के पास अलग है और बाद में इसको तोड़ भी दिया यही चीज़ बोल बोलते? देखिए, वो ये भी कहते थे ना कि 370 जिम्मेवार है टेररिज्म का, जी कहते थे ना जी, रियासत बैकवर्ड हो गई थी इनके वक्त में है जी। उसी पार्लियामेंट में राज्यसभा जिसमें कहते हैं, उसमें जब गुलाम नबी आज़ाद साहब अपोजिशन के लीडर थे, उनने दो रियासतों को कंपेयर किया, गुजरात को और जम्मू कश्मीर को, हमारे यहाँ 370 था, उसमें आंकड़े दिए जिसमें जम्मू कश्मीर गुजरात से भी आगे है। बिल्कुल, तो फिर 370 ने तो उसको पीछे नहीं रखा, आज भी आतंकवाद है। अभी आपने देखा कर्नल को भी मार डाला, दो जो है कैप्टन और सिपाही शहीद हुए नहीं हुए, रोज कहीं ना कहीं बम फटता है, अभी कल ही सुरनकोट में हुआ। तो मुझे बताइए, अगर ये कहते हैं आतंक, और हमारे सिपाही वो बेचारा क्या कर रहा था, वो ईदगाह में बच्चों के साथ खेलने लगा, क्रिकेट खेलने लगा, मार दिया उसको फारूक साहब। तो ये मुझे बताइए, तो क्या आतंकवाद बंद हो गया है? वो जो बेचारा वो CRPF भी और वो जो है वो पुलिस के DSP, इसका बच्चा मेरे ख्याल से मुश्किल से कुछ महीने पहले पैदा हुआ था, उसे गोली लगी, उसने टेलीफोन पे हमारे
एडी साहब को टेलीफोन कर किया कि भाई मैं मर रहा हूँ, ये हेलीकॉप्टर जो ऊपर घूम रहा है इसको नीचे उतारिए, इसको मुझे ये खून बंद हो। फिर बीवी से कहता है, क्या होगा उसकी बीवी पे असर, कि मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं बचूंगा, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मुझे आंसू आए जब मैंने ये सुना। 2000 कहाँ पहुँचे हम, आतंकवाद बंद नहीं हुआ, वहाँ ढंडूरा पीट रहे हैं, टूरिज्म इतना हुआ, अरे एक टूरिस्ट को गोली लग जाएगी कोई नहीं आएगा। ये तो शुक्र कीजिए वो आ रहे हैं और कुछ हम रोटी खा रहे हैं। 2000 फिर कहा फैक्ट्रियाँ आएंगी, कहा यहाँ बड़ा उद्योग लगेगा। कौन सा उद्योग लगा? कश्मीर में एक वो दुबई वाला मॉल लगा रहा है, अरे मॉल तो पहले ही हमारे यहाँ है, तो उससे कितना उद्योग बन गया। तो ये जो इनने एक वो बनाया ना किस्सा, ये इनका पहले से है सर डॉक्टर, ये 48 से इनका ये है कि साहब हमने इसको ख़त्म करना है। सर डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहते हैं कि अभी कोई कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं हो रही है, G20 सक्सेसफुल हुआ है, इसे आप किस तरीके से देखते? हर घर के सामने आपका एक सिपाही खड़ा है, बंदूक लेके खड़ा है, मॉडर्न बंदूक लेके खड़ा है, हैं क्या उसने मरना है? जिस दिन बंदूक उठ जाएगी देखना किस तरह पत्थर पड़ेंगे, मेरे सर पे पड़ेंगे, ठहरना तुम। रिव्यू पटिशन सर 370 रुपये का डॉक्टर, वो हम सोच रहे हैं, यूमनिस्ट से बात कर रहे हैं, और जब यूमनिस्ट से बात होगी हम उसके लिए तैयार होंगे। ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है 370 वापिस लाने की, ये बारे मोदी साहब कह रहे हैं। भैया लोग बहुत कुछ कहते हैं, जब अंग्रेज भी यहाँ 200 साल थे वो भी ये कहते थे हमने ये रहना है, हैं? उस वक्त कौन जमात थी जिनने उसमें हिस्सा नहीं लिया इनको निकालने का? वो इन्हीं की तंजीमें थीं जिन्होंने अंग्रेज़ों से कहा हम आपके ग़ुलाम हैं, हम आपके साथी हैं। उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग थे जो खड़े हो गए, भगत सिंह था वो, तीन उठे और भारत को आज़ाद करने के लिए अपनी जान दी, फांसी पर चढ़ गए। सर तो क्या आप समझते हैं कि हर एक चीज़ परमानेंट है? अरे हम परमानेंट नहीं इस दुनिया में, कौन ये कहते हैं परमानेंट? डॉक्टर साहब 2047 का लक्ष्य देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विकसित भारत यात्रा पूरे जम्मू कश्मीर में घुमा रहे हैं, जिसका प्रचार सरकारी अमला साथ होकर कर रहा है, तो क्या देख? मुझे बहुत खुशी है कि कोई ना कोई तो पैदल चल रहा है, यात्रा कर रहा है। मुझे इसकी भी खुशी है कि राम मंदिर खुलने वाला है 22 को, अफसोस से मुझे कार्ड नहीं आया मगर खुल रहा है सर, वो कहते वो भी एक चक्कर है। निमंत्रण आएगा तो राम सिर्फ हमारा है, निमंत्रण आएगा तो आप शिरसर भाजपा वाले कहते हैं राम सिर्फ हमारा है। राम सबका है, राम विश्व का राम है, वो हिंदुओं का राम नहीं है सिर्फ, ये बात याद रखना। जो विश्व का राम है वो सिखों का भी राम है, मुसलमानों का भी, ईसाइयों का भी, अंग्रेजों का भी, रूसियों का भी, हर एक विश्व किसे कहते हैं? दुनिया। चुनावों के आदेश भी दिए गए, दुनिया के हर एक आदमी का राम है। चुनावों के आदेश भी दिए गए हैं सितंबर 2024 से पहले, क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर में आगे? मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत उम्मीदें थी इनसे, उच्च न्यायालय से कि इंसाफ करेंगे, अगर ये 370 ठीक है उसमें ये सोच रहे थे, मगर स्टेटहुड तो बहाल कर सकते थे, क्यों रुक गए? अगर ये क्यों रुक गए कि इलेक्शन करें फौरन करें, क्यों रुक गए सर? अब सितंबर तक वो टाइम क्यों दिया? क्या इनका जो उच्च न्यायालय का फैसला है उसका मतलब ये है कि कल बंगाल, तमिलनाडु, कोई भी रियासत हिंदुस्तान की, उसे स्टेट को डिसमिस करो, गवर्नर के हवाले करो, फिर प्रेसिडेंट के पास जाओ और उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाओ। सर अब जम्मू के लोग भी ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होती थी, फारूक अब्दुल्ला की सरकार होती थी तो हम बहुत खुश होते थे, हम लोगों के काम होते थे, आज हम सेक्टर उठा के चक्कर लगाते हैं, वहाँ पे हमारे किसी तरीके के कुछ काम नहीं होते। उनसे कहिएगा फिर से आएगा, फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी और लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए आएगी, यहाँ नौकरियाँ निकलेंगी, यहाँ आप लोग सेक्रेटेरिएट में आ सकेंगे, अपने मसले ला सकेंगे, यहाँ MLA होगा हर जगह, यहाँ पंच होगा, सरपंच होगा, DDC का मेंबर होगा,
जो लोगों के काम करेगा, वो किसी भी पार्टी से होगा, कोई धर्म से होगा। हमारा काम है लोगों की खिदमत करना, ये नहीं देखना ये क्या है, वो क्या है, उसकी ज़बान क्या है। जब उस कुर्सी पे बैठो तो ये सोच के बैठो कि वो देखने वाला है जो हमारा अन्नदाता है। इंसाफ नहीं करोगे तो कल जहन्नम की आग तैयार है। भाजपा अलायंस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, क्या कहना है? मिमिक्री को लेके, मिमिक्री जो जो उपराष्ट्रपति के मिमिक्री कर रहे हैं कांग्रेस वाले, उसको लेके आज जम्मू में भी, कठुआ में भी, उधमपुर में भी और नवाशहर में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपको मैं एक बात याद दिलाऊं, वाइस प्रेसिडेंट थे अंसारी साहब, वो रिटायर होने वाले थे, रिटायर की उसकी मीटिंग हुई, उसमें जरा मोदी जी का सुनिए क्या कहते हैं, क्या वो वाइस प्रेसिडेंट की इज्जत करते हैं उन लफाजों से? ये लोग देखते नहीं क्योंकि लोगों ने देखा नहीं है। अगर वो ये कर सकता है, आप और मैं क्या है। थैंक यू सर।